सभी दोस्तों को नमस्कार है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरे इस चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा यह वीडियो है, यह एक ट्रेनिंग वीडियो है जिसमें हम GVR99 आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में मॉइस्चर अगर अधिक बन रहा है तो उसे हम कैसे दूर करेंगे। अगर आपके सामान्य रेफ्रिजरेटर में मॉइस्चर बनता है तो आपके लिए यह वीडियो भी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, ये एक GVR99 आइसलैंड रेफ्रिजरेटर है, इसमें हम वैक्सीन को रखते हैं, लेकिन इसमें समस्या यह आ रही है कि इसमें मॉइस्चर काफ़ी मात्राएं बनता है। उसकी एक वजह है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये एक तापमान मीटर है, इसमें हम वेट बल्ब टेम्परेचर 31.5 डिग्री सेल्सियस देख पा रहे हैं और जो नमी की मात्रा है वो 83 डिग्री सेल्सियस है, जो कि काफ़ी अधिक हो जाती है, खासकर मानसून के मौसम में। और इसकी वजह से हमारे रेफ्रिजरेटर में, आइसलैंड में, डिफ्रिजर में मॉइस्चर बहुत अधिक मात्रा में बनता है, जिससे वो पानी की बूंदों में परिवर्तित होकर हमारे उत्पाद यानी वैक्सीन हो या फिर कोई भी और खाद्य पदार्थ हो, उन्हें ख़राब कर देता है। इसलिए आज हम GVR99 आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में मॉइस्चर को रिमूव कैसे करें, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस पर लिखा हुआ आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, कंडेंसेशन मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन, यानी कि आप इस स्टेप के द्वारा इस रेफ्रिजरेटर में उत्पन्न हुए अधिकतम मॉइस्चर को ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, इसमें जो आप देख पाएंगे, जो हमारे दरवाजे के हिंज होते हैं यानी कि लॉक होते हैं, उनको आपको हमेशा बंद रखना है। ये ना हो कि एक खुला हो और एक बंद हो, उससे मॉइस्चर अधिक बनेगा क्योंकि बाहर नमी की मात्रा ज़्यादा है। इसकी अगर हमारा जो पानी निकलने वाली ड्रेन पाइप के, हमारी जो ड्रेन ट्रे है, उसको साफ रखे रहना है हर समय। ये GVR225 के अंदर ही है, GVR99 में ये ट्रे नहीं होती। आपके रेफ्रिजरेटर में भी जो चिलर ट्रे होती है, उसे आप जल्दी जल्दी पानी साफ करते रहें। और दोस्तों, इसके बाद इसमें हम एक पैड रखते हैं जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, और एक पैड और हम इसमें इंस्टॉल करेंगे, उसी का ये ट्रेनिंग वीडियो है। और हमेशा आपको हफ्ते के अंदर इसको कपड़े से साफ करते रहना है, इससे भी आपके इस आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में मॉइस्चर काफ़ी कम मात्रा में बनेगा। दोस्तों, ये वो पैड है, काफ़ी कॉस्टली है, इससे हम इंस्टॉल करेंगे हमारे इस आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में। दोस्तों, ये एक विशेष प्रकार की पैड है जो कि एक ग्लास वूल से निर्मित है और काफ़ी इंसुलेशन का काम करती है, मॉइस्चर को नीचे नहीं आने देती। इसी ट्रेनिंग वीडियो को आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और इसमें परिपक्व होंगे। सबसे पहले आपको GVR99 के कर्टन को खोल लेना है। दोस्तों, इसमें सामने की तरफ कर्टन लगे होते हैं जो कि काम करते हैं कि बाहर की नमी को अंदर नहीं जाने देते, बाहर की गर्म हवा को अंदर नहीं जाने देते। उसके बाद हमें ये ट्रे रिमूव कर लेनी है, जो आप आसानी से कर पाएंगे। ये ट्रे जो आप देख रहे हैं, ये दोस्तों खालिस लोहे की ट्रे है, इसको भी मैं आपको निकाल के दिखाऊँगा। बिल्कुल लोहा है, और देखिए आप इसका मैकेनिज्म, इसे कैसे बनाया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें गैप दिया गया है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि दोस्तों, ये सीधा हमारे इस आइसलैंड के जैकेट यानी कि जो दोस्तों इसकी ये बॉडी है, इसमें पानी भरा हुआ है, इससे सीधे टच ना हो, और अगर सीधे टच होगी तो मॉइस्चर काफ़ी मात्रा में बनेगा। आप देख सकते हैं मॉइस्चर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, आगे में मैं आपको ये ट्रे निकाल कर दिखाऊँगा। इसका जो मैकेनिज्म है दोस्तों, वो ये है कि साइडों से पानी जो मॉइस्चर रूप में बनेगा, वो सीधा हमारी दीवारों से होता हुआ नीचे ट्रे में चला जाए, लेकिन वो दीवारों से होता हुआ ना होकर सीधा ऊपर से टपकने लग जाता है, जिससे कि हमारी वैक्सीन ख़राब होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ट्रे को निकालने के बाद आपको इस पर पहले से लगी हुई सीट को रिमूव करना है। जैसा भी आप देख पा रहे हैं, ये सीट आसानी से भी रिमूव हो जाती है, लेकिन कई बार इसे काफ़ी मशक्क़त से रिमूव करना पड़ता है। ये चिपकी हुई है ऊपर की तरफ से। अगर आप सोचेंगे कि इसी सीट पर हम नई वाली शीट को लगा दे, तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो इसकी मोटाई बढ़ जाएगी और आप इसे नहीं लगा पाएंगे, इसलिए आपको ये सीट रिमूव करनी है। दोस्तों, ये वो पानी की बकेट है, इसमें चारों तरफ पानी भरा हुआ है, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। और जब पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस पर ठंडा होता है, तो काफ़ी मॉइस्चर का निर्माण होता है। जो नमी अंदर से हमारे रेफ्रिजरेटर में आती है बाहर से, वो मॉइस्चर में बदल जाती है, यानी नमी में, पानी की बूंद रूप में बदल जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये वो दूसरी शीट है जिसे हमें काफ़ी मशक्क़त से रिमूव करना पड़ रहा है, क्योंकि इसकी पेस्टिंग काफ़ी मजबूत है। कई बार तो ये आसानी से रिमूव हो जाती है, जैसा भी आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, और कई बार इसे बिल्कुल खुरच कर यानी कि बहुत मेहनत से इसे उतारना पड़ता है। ये ज़रूरी है, अगर आप इसे नहीं उतारेंगे तो जो सीट हम नहीं डालेंगे वो इससे काफ़ी मोटी है, और उससे हमारे स्क्रू की सेटिंग नहीं हो पाएगी अगर हम इसे इसके ऊपर ही लगा देंगे। ये वो सीट है दोस्तों, इसकी मोटाई काफ़ी है, आप देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छा इंसुलेशन इसमें डाला गया है, काफ़ी कॉस्टली है, लगभग 2000 रुपये के आसपास इस शीट की कीमत है, इसलिए हमें इसे अच्छे से लगाना है।
तो दोस्तों ये जो समस्या है मॉइस्चर की, ये मानसून के मौसम में हर रेफ्रिजरेटर में आती है, हर एयर कंडीशनर में आपको इसे दो चार होना पड़ता है। डिफ्रीजर में भी बर्फ़ की अधिकतम मात्रा इसी मॉइस्चर के कारण जमती है, इसलिए ये मॉइस्चर हमारी वैक्सीन को ख़राब कर देता है। आपको शीट लगाने भर है, उसके ऊपर रखना भर है, बिल्कुल एक्यूरेट वो उसकी शेटिंग आएगी, आपको उसे चिपकाना नहीं है और आराम से आपको इस ट्रे को डाल देना है हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर। आप देख सकते हैं कैसे मैंने इस ट्रे को डाला है, नीचे की तरफ लोक है, उन लोक के ऊपर आपको इस ट्रे को रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि वो सभी बातें बताऊँ जिनमें हम कन्फ्यूज होने की संभावनाएँ बन सकती हैं। अभी हम दूसरे रेफ्रिजरेटर में भी शीट को लगाएंगे। अभी मैं आपको ये निकाल कर दिखा रहा हूँ, आप देखिए कितना मॉइस्चर आप इस लोहे की शीट पर देख सकते हैं। इसके नीचे ही हम वो प्लास्टिक की शीट लगाते हैं और इसके ऊपर तो मॉइस्चर काफ़ी बनता ही है, तभी तो नीचे की तरफ मॉइस्चर आया हुआ है। दोस्तों मैकेनिज्म अच्छा है लेकिन कई बार प्रॉब्लम हो जाती है जिसे हमें बाद में सॉल्व करना पड़ता है। ये देखिए ये पूरी लोहे की शीट है, खालिस लोहा है, और ये वो प्लास्टिक की बकेट है जिसमें पानी भरा होता है, चारों तरफ इसके अंदर पानी भरा होता है जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आने के बाद कट ऑफ हो जाता है, और इसका जो बैकअप टाइम है वो काफ़ी है। उसकी वजह यही है कि पानी काफ़ी देर तक बैकअप देता है और ये 3 दिन तक +2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को बनाए रखता है इसी वजह से। लेकिन इस मॉइस्चर की वजह से इसमें थोड़ी सी समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं जिसे हमने सॉल्व कर दिया है इस ट्रेनिंग वीडियो के बाद। अब देखिए आपको ये ध्यान से सीट लगानी है, अभी आप देख रहे हैं आराम से आपको ये सीट लोक के अंदर से इनपुट करनी है और लोक के ऊपर ऊपर से ही आपकी ये सीट जाएगी। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट और राइट साइड में दो लोहे के लोक बने हुए हैं, और फिर इसे अंदर की तरफ पुश करना है ताकि जो स्क्रू आप देख रहे हैं दोनों, दो इस साइड में दो उस साइड में, ये अपने निर्धारित स्थान पर आ जाएं। इसलिए आपको इसे ऊपर की तरफ पुश करके भी रखना होगा और उसके बाद आपको कर्टन वाला ये फ्रेम लगा देना है, ये ज़रूरी है। दोस्तों GVR डबल लाइन में ये कर्टन है, इसकी वजह से मॉइस्चर भी कम मात्रा में बनता है, लेकिन GVR 225 में कर्टन नहीं है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि आगे जो दोस्त इस ट्रेनिंग वीडियो को देखकर इस समस्या का समाधान कर पाएँ। धन्यवाद।